तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फूड मास्टर SH और मेरा नाम है संधा हुसैन। तो गाइज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वार्डरोब का एक नया डिजाइन। तो आज मैं दिखाने वाले हैं वार्डरोब का आपको नया डिजाइन। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वुड से रिलेटेड विजुअल वीडियोज हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। गाइज ये देख सकते हैं आप वार्डरोब का एक डिजाइन जिसको हमने कराया अंदर लैमिनेट व्हाइट और वाइट लगाकर डिजाइन। और इसमें देख सकते हैं इसमें हमने क्या करा, नीचे दे दिए दो ड्रॉवर बीच में, जिनकी हाइट की बात करें तो 6 इंची और चौड़ाई इसकी 16 इंची। तो गाइस PVC टेप लगी हुई है टक्करों पे, आप देख सकते हैं वाइट कलर की प्लास्टिक टेप जिसको बोलते हैं, एस बैंडिंग भी इसको बोल देते हैं, और फोल्डिंग इसमें लगा रखी है SSC हैंडल। ये आ गए हमारी दो ड्रॉवर, नीचे आ गए दो खाने और ऊपर भी हमने दो बॉक्स बना दिए। इस तरफ का था ये डिज़ाइन, इस तरफ हैंगिंग का सिस्टम नहीं था। तो दूसरी साइड आप देख सकते हैं, तो अभी अगर इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला डोर, ये स्लाइडिंग के डोर चलाएं, इसमें सब स्लाइड है। बस अगर दूसरे डोर को अगर खोलते हैं हम, आप देख सकते हैं इस तरफ का हमारा दूसरा डिज़ाइन। तो इसमें एक उस तरफ आ जाएगी हैंगिंग की रोड। तो दोस्तों जो हमारी जो हैंगिंग के लिए जो जगह छोड़ दी जाती है 42 इंची के समथिंग, जो इंस्टेंट साइज होता है नीचे की तरफ स्विच रैक आ गया, आप देख सकते हैं इस तरफ स्विच रखने के लिए। और ये वाली सेल्फ होगी 15-15 इंच की, दो होगी सेल्फ आप देख सकते हैं। बट अगर इस सेल्फ की अगर हम बात करें तो जिस पे आप देख रहे हैं फोल्डिंग एक सेल्फ है, आप देख सकते हैं मूवेबल सेल्फ है। बाई चांस हमारी कोई रजाई वगैरह अगर कुछ बड़ा भी सामान हो तो हम इस पे आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है। ऊपर की तरफ हमने 3 कर दिए बॉक्स। तो गाइस सेम ऊपर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ऊपर में क्या होता है, जैसे हमारा कभी कभी यूज़ होने वाला सामान होता है तो हम ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा फ्रंट पे आ जाएगा ग्लास, और यहाँ पे शेल्फ होगी, होगी हमारी ड्रेसिंग। तो इसमें अंदर की तरफ हम सामान रख सकते हैं और फ्रंट पर आ जाएगा हमारा ग्लास हिस्सा, देख सकते हैं आप इस तरफ। नीचे हमने दे दिए दो ड्रॉवर सामान रखने के लिए, जो भी हमारा छोटा सामान होता है ड्रेसिंग का रेडी होने वाला, तो आप देख सकते हैं उस तरीके से इसमें रखा जा सकता है। तो अगर ऊपर की बात करें, ऊपर मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह पूरे के पूरे बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें हम रजाई या कुछ भी जो अपना पर्सनल सामान होता है जो कभी कभी यूज़ करने वाला हो तो आराम से हम उसका इसको सेव कर सकें। तो गाइस इसकी अगर गहराई की बात करें तो 22 इंच इसकी गहराई है, और लंबाई गुना चौड़ाई की बात करें तो 10 फुट इसकी हाइट है। और इसकी अगर बात करें चौड़ाई की, इसकी 9 फुट चौड़ाई है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका पूरा डिज़ाइन, और फ्रंट पे लगाया गया है लैमिनेट इसका ब्राउन कलर का, जिसपे टेक्सचर टाइप में थोड़ा सा है अंदर ऑफ वाइट, ये देख सकते हैं आप। 1.5 इंची बोर्ड में इसको बनाया गया है, SSK इसके हैंडल लगा रखे हैं 6 इंच के। तीनों बॉक्स की अगर बात करें सेम इस तरीके की है, ऊपर वाले जो भी बॉक्स थे वो सब सेम डिज़ाइन में बनाए गए थे। तो उनके ऊपर की तरफ हमने 8 डोर चला दिए थे, पल्ले चला रखे थे। तो गाइज हम दिखाने वाले हैं आपको इस पल्ले का भी डिज़ाइन, आप देख सकते हैं डोर बनाया था लकड़ी का, सागवान की लकड़ी है, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी, जिसमें एक बीच में डाल रखा है ग्लास डिज़ाइन वाला फूल वाला, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो गाइज दूसरे रूम में भी बनाई थी, तो अभी ये अधूरा है, आप देख सकते हैं इस तरफ वाला। अभी इसमें नीचे दो ड्रॉवर आने हैं और डोर आने हैं, इस तरफ इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। फाइनल पे भी आपको इसका डिज़ाइन दिखा दिया जाएगा। और आप अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं सेम ये हमारा दूसरा बेडरूम है, तो डिज़ाइन बिल्कुल सेम वही है। बट बस इसमें जो चेंजिंग है आपको अगर मैं बता दूँ तो चेंजिंग इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर सिर्फ एक लैमिनेट की चेंजिंग है। जो फ्रंट पर इसका लैमिनेट लगा हुआ है बस सिर्फ ओनली फॉर उसकी इसमें चेंजिंग की गई, और एनी बिल्कुल सेम बिल्कुल वही चीज़ है। नीचे दो इसमें ड्रॉर दे रखे हैं जैसे कि आपने पहला देखा, सेम नीचे भी ऐसे ही एक ड्रॉर, तो इस तरीके से दो ड्रॉर दे गए हैं इसमें। अभी ये ज़रा गंदा हो रहा है, साफ होने के बाद में ये ग्लॉस है तो ग्लो करेगा जो माइक लग रहा है। अंदर भी सेम देखो, आप देख सकते हैं यही वही सेम डिज़ाइन है बिल्कुल जो आपने देखा। अंदर सामान हम आराम से छोटा मोटा जैसे भी होता है कोई भी फैशन का, तो हम अंदर की तरफ रख सकते हैं। सामने की तरफ हमारा
ग्लास आ जाएगा, आप देख सकते हैं विनर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन था, और ऊपर भी सेम वही चीज़ थी इसमें, इसको स्लाइडिंग में बनाया गया था ये भी। तो स्लाइडिंग में गाइस आप जो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी आप चैनल लगाना चाहे हाइडी करती है, गोदरेज आती, काफ़ी चैनल आती हैं, तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे प्राइस के हिसाब से, जैसा मतलब आप मतलब महंगा लोगे उसी हिसाब से उतने अच्छा मिलेगा वो आप भी घंटे में। तो सेम ऐसी दो ड्रॉ थी। तो इस पर फोल्डिंग हैंडल लगाने सही रहते हैं, आपसे बता दूँ, जो अंदर की तरफ हमारी ड्रॉ रखते हैं उसमें खासतौर से हम फोल्डिंग हैंडल लगाए तो बेहतर है, क्योंकि अंदर स्पेस कम होता है। तो अगर हम वैसे सिंपल वाले अगर हैंडल वैसे लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारे बनाए गए नीचे की तरफ में वही सेम डिज़ाइन जो पीछे की तरफ आपने उस तरफ देखा। तो इसमें मैंने आपसे पहले भी बता दिया कुछ भी चेंजिंग नहीं था, सिर्फ एक लैमिनेट के अलावा, जो कि इसमें आगे की तरफ हमारी लैमिनेट लगाई गई थी, तो सेम बस उसी चीज़ का हमारा फ़र्क था ओनली फॉर, बस अन्य कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं था। बस यहाँ पर जो था इसमें थोड़ा चेंजिंग यहाँ पे थी, उधर हैंगिंग के लिए चौड़ाई कम दे रखी थी 50% एक पार्ट दे रखा था, और नीचे एक मूवेबल सेल्फ दे रखी थी। तो यहाँ पर मूवेबल सेल्फ को छोड़कर यहाँ पर पूरा खाना दे दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ में जो सेंटर में पार्टीशन करके सेल्फ डाल ली गई थी यहाँ पर पूरा हमने हैंगिंग के लिए एक नीचे की तरफ पूरा दे दिया, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम ऊपर पूरे पूरे बॉक्स हैं सामान रखने के लिए सेम सारे, वो भी तीन बॉक्स सेम ऐसे ही है ऊपर वाले। देख सकते हैं गाइस आप सारा डिज़ाइन इसका, एक्चुअली में जो इसमें लैमिनेट लगी हुई है वो ग्लॉस में है, ग्लॉसी लैमिनेट लगी हुई, आप देख सकते हैं लाइट भी उस पर कैसे चमक रही है, बट अभी थोड़ा ही गंदी हो रही है क्योंकि धूल मिट्टी ये भी काम चल रहा था यहाँ पे। गाइस ये जो किचन देख रहे हैं इसकी वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, तो अगर आप देख रहे होंगे राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको लिंक आ रहा होगा इसका, तो आप इस पर क्लिक कर कर आप जा सकते हैं। किचन की पूरी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई इसमें अपनी वीडियोस में पूरा बता रखा है, सारा इंटरनल जो भी इसमें सिस्टम है सारा मैंने उसमें वीडियोस में दिखा रखा है, तो आप अंदर की तरफ जाकर इस किचन को देख सकते हैं। और ये रहा वार्डरोब का आपका डिज़ाइन पूरा। तो गाइस जो भी था आपको दिखाया हमने, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर कर पता कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि वुड से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो गाइस तब तक नहीं मिलते, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद जय भारत।